हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे मिस खुशी गहलोत ने पूछा है कि हम जो राजपूती पोशाक है उसको हम इंच टेप से उसकी कटिंग कैसे करें, कैसे नाप लें। और ये मैम हैं जिन्होंने मेरे को पूछा है कि 4 मीटर कपड़े में से लहंगे की कटिंग कैसे करें, नाप कैसे निकालें। सो मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ, सो वीडियो ज़रूर देखें। ये 4 मीटर कपड़ा है जो मैंने सिंगल ले रखा है। देखिए ये बिल्कुल सिंगल है, अभी प्लेन कपड़ा है। अब मैं इसको यहाँ से फोल्ड करूँगी, मतलब इसको डबल करूँगी। ये मैं लहंगे का कपड़ा अलग करके आपको दिखा रही हूँ कि हम लहंगा कैसे निकालें। ये पूरा 4 मीटर कपड़ा ही है, एक्स्ट्रा नहीं है। अगर आपकी साइज़ बड़ी हो तो आप एक्स्ट्रा कपड़ा ले सकते हैं, 5 से 6 मीटर भी ले सकते हैं। क्योंकि आप अगर इसमें कंजूसी करते हैं या मतलब कम कपड़ा लाते हैं तो वो बाद में आपको महंगा पड़ सकता है, क्योंकि शायद एक्स्ट्रा कपड़ा अपन को बाद में नहीं मिले। सो मेरे लिए 4 मीटर कपड़ा काफ़ी है, सो मैं इतना ही लाई हूँ। बाकी आप अगर हेल्थ में ज़्यादा है तो 4 मीटर कपड़ा से आप एक्स्ट्रा ला सकती हैं। देखिए मैंने इसको डबल कर लिया है और मैं इसको अपनी लेंथ के हिसाब से, जो मेरी लंबाई है लहंगे की, मैं उस हिसाब से ही इसको कट करूँगी। इस डबल पार्ट को कट करूँगी, मतलब ये डबल ही रहेगा और मैं इसको यहाँ से कट कर लूँगी। सो मैं आपको लहंगे की अपनी साइज़ के हिसाब से बता रही हूँ और इंच टेप से भी बताने वाली हूँ, जो कि मुझे किसी ने कमेंट करके पूछा है। सो ये मेरी लहंगे की लेंथ मैं ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ तक मैं इसको लूँगी, ये मजकी तक आ जाएगा पूरा। ये काफ़ी लंबा ले रहा है तो मैं इसको थोड़ा और ऊपर कर लेती हूँ। ये काफ़ी सिल्की कपड़ा है। सो फ्रेंड्स, मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अगर आप अभी सीख रहे हैं तो आप ऐसा सिल्की कपड़ा नहीं लें। 4 मीटर में भी जो कॉटन का कपड़ा आता है, जो थान में से ही आता है, वो आप कॉटन का ही लें, क्योंकि आप कॉटन का लेंगे तो ठीक रहेगा। यहाँ पर मैंने 37.5 इंच तक लिया है, मतलब 37.5 इंच का मैंने अपनी जो लंबाई है उस हिसाब से लिया है। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही लिया है 1.5 इंच, ताकि वो जो लेंथ है मैं बाद में फोल्डिंग में वगैरह यूज़ कर सकूँ। तो आप भी हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा ही लिया करें, ताकि बाद में आप उसको फोल्डिंग में भी यूज कर सकें। अब मैं इसको यहाँ से कट कर रही हूँ और जो बाकी का इस साइड वाला कपड़ा है वो एवी रह जाएगा, मतलब अपने दूसरे यूज़ के लिए और लहंगे के लिए मैं ये जो है ये कट कर रही हूँ। ये मैं डबल करके कट कर रही हूँ। तो ओके, अब ये जो दूसरी साइड वाला कपड़ा है ये कुर्ती कांचली के लिए रह जाएगा और मेरे ये वाला जो कपड़ा है वो लहंगे का पूरा जो है आ चुका है। सो मैं अब इसको डबल तो है ही, अब मैं इनको अलग कर लूँगी, डबल को भी साइड से कट करके। देखिए मैं आपको माप के फिर से बता देती हूँ, 37 इंच तक ये रहेगा। देखिए 37 इंच से है, थोड़ा ज़्यादा ही है, 0.5 में भी है ये। सो अब मैं इसको बराबर कर लेती हूँ और फिर इसको साइड से कट करके अलग कर लूँगी, मतलब फिर ये 2 पीस हो जाएंगे और 2 से फिर 4 हो जाएंगे। मतलब लहंगे की कटिंग तो मैं आपको बार बार बता ही चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार 4 मीटर कपड़े में मैंने आपको पहले कभी नहीं बताया है, सो मैं फिर से बता रही हूँ। अब मैं इनको यहाँ से अलग कर लूँगी। यहाँ से इसको हम कट करके अलग कर लेंगे और उसके बाद इनको वापस फोल्ड करके वापस और कट कर लेंगे, जिससे ये 4 पीस हो जाएंगे। ये जो लहंगे की मैं कटिंग है वो बता रही हूँ। और एंड में जो मजगी का कपड़ा कैसे निकालना है मैं वो भी बताऊँगी, हाल फिलहाल तो मैं आपको यही बता देती हूँ। मैं आपको इनके सारी कटिंग जो है एक पार्ट में नहीं बताने वाली हूँ, अभी मैं सिर्फ आपको लहंगे की बताने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कुर्ती और उससे नेक्स्ट वाले में कांच ले, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। एकदम बराबर करके कट करें। वैसे तो जो कलियाँ हैं वो हमेशा सारी की सारी बराबर नहीं होती है, ये तो श्योर है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है। बट ये जो सिल्की कपड़ा है ये बहुत ज़्यादा ही फिसलन है, सो इसको तो बराबर काटना ज़्यादा ही ज़रूरी हो जाता है। इसको यहाँ से हमें कट कर लेना है। जो
वो भी सिल्क के कपड़े अगर आप काट रहे हैं, मतलब उनकी कटिंग कर रहे हैं, तो बहुत धीरे से करें, जल्दबाजी में ये बिल्कुल कटने में अपने से गलती हो सकती है। सो ऐसा होता है कि अपने पास पूरा छोटी सी मिस्टेक से मतलब अपन वापस पूरा अपना सूट बिगड़ सकता है। सो धीरे धीरे ही करें, ऐसा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे जो नीचे वाला कपड़ा है वो उल्टा है, तो मैं सभी बाकी सभी कपड़ों को मैं उल्टा ही रखूँगी, ताकि बाद में जो साइड से, वो एक साइड से जो बड़े कॉर्नर के जो कपड़े होते हैं वो सारे एक साइड में आएंगे, तो मेरे को बाद में गोलाई शेप में लेने में आसानी रहेगी। तो मैं अब सभी कपड़ों को उल्टा रखूँगी। नीचे वाला जो सबसे नीचे वाला कपड़ा था वो उल्टा था, मतलब ऊपर की साइड से उल्टा और नीचे की साइड से सीधा था, तो मैं अब सबको एक एक करके वैसे ही रख दूँगी। मैं जितने भी वीडियो हैं आप लोगों के कमेंट के हिसाब से ही बनाती हूँ, मुझे कोई ज़्यादा आइडियाज़ नहीं होता है कि मैं किस पे वीडियो बनाऊँ। आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं उसी के ऊपर बनाती हूँ। हालांकि ये है कि मैं किसी कारण से एक साथ में सारी वीडियो नहीं बना पाती हूँ, थोड़े टाइम से बना पाती हूँ, क्योंकि कई बार मुझे मार्केट से सामान लाने में देरी हो जाती है, तो कई बार मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। सो आप वेट ज़रूर कीजिए मेरे वीडियो का, मैं हर किसी के कमेंट का जवाब वीडियो बना कर ही दूंगी। ये मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप जो भी आप मेरे को बोले मैं उस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बता के ज़रूर बता पाऊँ। सो ये मैंने रख लिए हैं। एक और है जिसको मैं वापस इसी तरह सबको मैं उल्टा ही रखूँगी। बिल्कुल बराबर से कर लूँगी। अब यहाँ से हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है। देखिए नीचे की साइड से ये थोड़ा, इसकी लेंथ ऐसी होगी, एक साइड से काफ़ी बड़ा और दूसरे साइड से छोटा रहेगा। देखिए जैसे मैं फिंगर से माप लेती हूँ, उस तरह से आप भी चाहें तो फिंगर से ले सकते हैं हिसाब से। अगर आपकी 32 तक कमर है तो उसके लिए 8 इंच काफ़ी होती है, और बड़े हो तो 10 इंच या उससे ज़्यादा बड़े आप ले सकते हैं, मतलब फिंगर में। और इंच में मैं ले रही हूँ तो यहाँ पर मैं 6 इंच ले रही हूँ। ठीक है, मेरी जो कमर है उस हिसाब से मैं यहाँ पे 6 इंच ले रही हूँ। और क्योंकि बाद में ये चार चार कपड़े हैं तो टोटल 8 पीस है, तो 6 6 इंच करके ये मेरी पूरी कमर के बराबर हो जाएगा। और जो लेंथ है वो वही है, देख लिए 37 तक है। अब मैं इनको कट करके अलग कर लूँगी और ये टोटल 8 पीस हो जाएंगे, जो 8 कलियाँ होती है लहंगे में वो हो जाएंगी। काफ़ी फिसलन है तो ये कपड़ा बराबर नहीं रह रहा है। ये जो सारी कलियाँ हैं वो कट चुकी है, मतलब लहंगा है वो मैंने कट कर लिया है। अब जो लहंगे की कटिंग है वो तो हो चुकी है, और जो कुर्ती कांच ली है वो मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।